जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मौसम के असरात के हवाले से, लेकिन इसी तरह ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए, तो लाइफ में कुछ और ही गोल्स और कुछ और ही चैलेंजेस जो हैं उनको हम बड़ा इजीली फेस हो जाए कर सकते हैं। और कुछ बीमारियां इंसान के लिए जो है वो चैलेंज बन जाती हैं, जिसमें कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो खामोशी से आपके जिस्म में पैदा होता है और अक्सर बहुत लेट पता चलता है, और उस वक्त आप कहते हो कि अब मैं क्या करूं, मैं इसे कैसे ट्रीट करूं। इसी तरह एक ऐसी बीमारी जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं जो इस स्किन प्रॉब्लम में मुब्तला रहे, जिसको विटिलिगो बर्ड्स कहते हैं, जिसमें सफ़ेद जो है वो धब्बे पड़ जाते हैं चेहरे पे, और बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके साथ साथ ये ख्वाहिश कि मैं दोबारा से जवान हो जाऊँ, ये शायद हर इंसान की होगी, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे। आज मेरे साथ जो पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, ये जो अब मैंने कुछ चंद चीदा चीज़ों का जिक्र किया जिनको सिर्फ हम यही सोच सकते हैं कि काश ऐसा हो जाए, उस काश का जवाब ये एक ट्रीटमेंट के ज़रिए आपके लिए लेकर आए हैं। अब ये कौन सा ट्रीटमेंट है, मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसमें जानने के लिए, तो आप भी मेरे साथ जानिए। सो वेलकम करते हैं डॉक्टर NS नसाका, ही इज़ माशाल्लाह 94 ईयर्स ओल्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन माशाल्लाह। सो यू आर 94 ईयर्स ओल्ड? जी। मैं तो ख्वाहिश ही कर सकती हूँ कि मैं इस उम्र तक पहुँचूँ, क्योंकि हम तो अभी से अल्लाह का शुक्र है कि चलना फिरना मुश्किल लगता है हमें ज़िंदगी में। सही है, सब इंसान की यही ख्वाहिश है कि, और मेरी ये ख्वाहिश नहीं है, बोलिए क्यों? आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश ये है कि जितने बुज़ुर्ग दुनिया में आए हैं, दुनिया में जितने बुज़ुर्ग आए, सबों ने अल्लाह की मखलूक की खिदमत की है, और मैं उसी उस पर कर रहा हूँ। 9 साल की उम्र से कर रहा हूँ, आज मैं 94 ईयर्स का हूँ माशाल्लाह, और अभी भी विदाउट लिफ्ट आया हूँ, और अभी भी इतना है कि मैं यहाँ से एयरपोर्ट पैदल जा सकता हूँ, कहीं बैठूँगा नहीं। सीरियसली माशाल्लाह। सर मैं सलाम पेश करती हूँ आपको। बहुत ये एक वो पोर्ट है और एक ये सी पोर्ट है, एयरपोर्ट और सी पोर्ट, ठीक है, मैं तकरीबन सी पोर्ट के करीब हूँ, और सर ये कह रहे हैं कि इस पोर्ट से उस पोर्ट तक का सफ़र ये पैदल कर सकते हैं माशाल्लाह से, और हम थर्ड फ्लोर पर जिस दिन लिफ्ट ख़राब हो जाए उस दिन हम कहते हैं ओ वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हो जाए तो मैं सोच रही होती हूँ 15 फ्लोर मेरे लिए कोई मसला नहीं। क्या खाते हैं आप? हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ सब्जी खाता हूँ। अच्छा, सिर्फ सब्जियाँ, सिर्फ सब्जी, गोश्त नहीं खाता हूँ। ओके। और ये 9 साल की उम्र से ये हर्बल से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। कहाँ पैदाइश हुई आपकी? हाँ पैदाइश हुई इंडिया नागपुर में। नागपुर में पैदा हुए आप, सही। तो आप सब्जियाँ खाते हैं, आप गोश्त नहीं खाते? गोश्त नहीं खाता। ओके। और तो आप सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, कोई जूस वगैरह थोड़ा सा पी लिया। हाँ। पी लिया। सबसे बड़ा मसला ये है, आपको बता दूं कि 24 घंटे में 1 घंटा सोता हूँ, 23 घंटे जागता हूँ, 23 घंटे जागते हैं, जागता हूँ अभी भी, अभी भी। अच्छा। मेरा टेलीफोन नंबर है, जिन जो लोगों ने किया है सब जानते हैं कि मैं उनका टेलीफोन दूसरी घंटी नहीं बजती उठा लेता हूँ। ओके माशाल्लाह। और ये मैं 9 साल की उम्र से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, वो ट्रीटमेंट क्या है? हर्बल जड़ी बूटी। जड़ी बूटी, जड़ी बूटी, सही। तो ये ट्रीटमेंट जो है ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको एक्टिव करता है, जो आपको यंग रखता है? नहीं, हाँ देखिए सुनिए, जहाँ रिवर्सल ऑफ एज, ये मैंने क्यों इस पे 20-25 साल लगाया, क्यों लगाया, वो मेरी बेटियां 94 ईयर्स ओल्ड, वो मेरी बेटियां, वो मेरी नमासियां, वो मेरे पोता पोतियां, जिनको उम्र किसी वजह से उनकी चले जाती है, गुजर जाती है, टाइम निकल जाता है, खूब से खूब तल की तलाश हो सकता है, इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती किसी वजह से, ठीक।
मैंने इस पे वो किया कि वो बेचारी 35 से लेके 55 साल तक के दिन की उम्र है, अब इनको वो समझ गई कि अब मेरी शादी हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, जाहिर बात है एज निकल गई कहाँ गए। अब मैंने वो 20-25 साल में वो दवा तैयार किया और मैं काम करता हूँ, मेरी क्लिनिक है DHA में, एक क्लिनिक है नॉर्थ हैदराबाद में, एक क्लिनिक है नर्सरी में और एक अभी नई क्लिनिक बनाया मेमार में। अच्छा, तो आप जो है वो एक हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं, एक हर्बल मेडिसिन के ज़रिए ये आपकी एज को रिवर्स करते हैं और ये कह रहे हैं, ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो ख़वातीन या इवन मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जो अब जो ये समझते हैं कि जी नहीं जी अब एज जो है वो गुजर रही है और शादी के मसाइल हो रहे हैं, या कोई भी शख्स जो खुद को यंग रखना चाहता है तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकता है। मेरी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं, कोई मैं मेडिसिन बेचता नहीं हूँ, फी सबिलिल्लाह काम करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी से आज तक कोई, मेरी एम्बुलेंस है वो भी फी सबिलिल्लाह काम करता हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं लेता। ठीक है, तो फिर आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, ऐसी एक सवाल आया। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, आप पर्सनल सवाल करें, जवाब दूंगा मैं आपको। नहीं, इट्स नॉट पर्सनल, आई मीन कि देखिए आप इतनी एक्टिव हैं और आपने ज़िंदगी में इतनी सारी अचीवमेंट्स ली, तो आज जो हमारी यूथ है उसको पता होना चाहिए कि लाइफ में बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए हमें पैसे की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसे तो नहीं गुजारा होता। ये सब का जवाब मैं आपको देता हूँ, सुन लीजिए, मेरी एज वो है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मेरी मुलाकात, जवाहरलाल नेहरू से मेरी मुलाकात, वल्लभ भाई पटेल से मेरी मुलाकात, महात्मा गांधी से मेरी मुलाकात, ये मैंने सब इंडिया में मेरी मुलाकात हुई है। ब्रिटिश का दौर देखा हुआ है, ओके, उस जमाने में जब 8 आने का बकरा मिलता था बकरे ईद में, 8 आने का, 8 आने का, 8 अठन्नी का, इंटरेस्टिंग। फिर बाद में वो 1 रुपए का हो गया तो दादा उस दिन ने कहे, अरे बाबा भैया ये तो 1 रुपए का हो गया है बकरा, आप कैसा करें, चलो जब 1 रुपया हो जाएगा तो आ जाएंगे लेने के लिए। ठीक, तो वो दौर मैं देखा हुआ हूँ, आज का दौर, ब्रिटिश का दौर देखा हुआ हूँ, जब मैं, मेरे सामने पाकिस्तान बना, उस वक्त मैं जवान था और आज भी जवान हूँ। बिल्कुल, आप अंदाज़ा हो रहा है, लोग इस वक्त बड़े एम्बेरस हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि ही इज़ 94 ईयर्स ओल्ड और माशाल्लाह ये आज किसी भी 25-30 साल के जवान से कहीं ज़्यादा माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट है, द वे लाइक ही इज़ ट्रीटिंग हिमसेल्फ, जैसे ये बैठे हैं, जैसे इनका अंदाज़ है, जैसे ये वॉक करके एंटर हुए स्टूडियो में, इट्स अमेजिंग राइट, एंड ही इज़ यूजिंग हिज ओन मेडिसिन जो हर्बल मेडिसिन है जिसे आप इनसे ही ले भी सकते हैं, ये कह रहे हैं कि फीस सबीलला ये इलाज करते हैं। मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो ये जो कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट हैं उनका भी ये इलाज कर रहे हैं और बर्ड्स, इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, जी उठा पाकिस्तान। जी नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर NS नसाका एंड ही इज़ 94 ईयर्स ओल्ड, माशाल्लाह बोलिएगा इनको देखने के बाद, एंड अल्लाह ताला इनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला हमें भी जितनी ज़िंदगी है हमारी हमें सेहतमंद रखे, क्योंकि सेहत 1000 नेमत है एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, और ये हमने कोरोना में भी देख लिया, पैसा एक तरफ, अगर आप बीमार हो जाएं तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें कैंसर की लास्ट स्टेज है या बर्ड्स का मर्ज है जिसमें आपके जिस्म पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, उसका ये ख़ास मेडिसिन जो है वो देते हैं। अच्छा, मैं इस ट्रीटमेंट के बारे में भी जानूंगी, मुझे बताएं ये आपकी फैमिली में है हर्बल, क्योंकि हिकमत या हकीम का इलाज ये तो स्टोन एज के दौर से अगर हम बात करें तो इसी तरह के ट्रीटमेंट्स के जड़ी बूटियों से, पत्तों से और इन चीज़ों से इलाज होता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मेरी फैमिली में कोई हकीम या हिकमत का कोई ऐसा काम नहीं होता, नंबर एक। अब आप पूछेंगे कि आप इसमें कैसे आए, अब आपका दूसरा सवाल यही होगा, जी यही पूछेंगे आप, है ना। मैं बता दूं, जब मैं पैदा हुआ, जी जब मैं पैदा हुआ तो मैं रोया नहीं, जो नहीं रोता है
तो वो एबनॉर्मल होता है, फिर या तो बेहोश होता है या एबनॉर्मल होता है। ऐसा ही है, एग्जैक्टली है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके ब्रेन में नहीं। हाँ, बच्चे का पैदाइश के वक्त रोना जरूरी जरूरी है, अगर उसके लंग्स ओपन होते हैं, वो ब्रीथ कर पाते हैं तो ठीक है ना। अब ये मैं नहीं रोया, इसका मतलब क्या है कि मेरी माँ प्रोफेसर, मेरे वालिद साहब प्रोफेसर, अदबी और मजहबी घराने और हाईली क्वालिफाइड फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा, नागपुर में रहते हैं। नहीं रोया, जब नहीं रोया तो जहर बात है कि वह बेहोश ही रहा। 3 साल तक मेरी माँ ने मुझे पाला, 3 साल तक मैं बेहोश था। जहर माँ तो फिर माँ ही होती है, माँ का तो अल्टरनेट नहीं है ना, माँ बाप का अल्टरनेट नहीं। फिर अचानक उनका इंतकाल हो गया, मुझे नहीं मालूम, मैं बेहोश। 3 साल मरने के बाद मेरी दादी ने मुझे पाला, 6 साल, 9 साल का हो गया। अचानक नींद खुली तो मैंने कोई रोशनी नहीं देखी। अच्छा, 9 साल की उम्र में। ओके, ये मैं आपको बता दूं, मैंने कोई रोशनी नहीं देखी। और फिर एकदम उठ के फजर की नमाज, सब नमाज पढ़ रहे थे, चला गया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, जंगल चला गया। जंगल में रहा 12-14 साल, जंगल में गुजारा 12-14 साल। कौन से जंगलों में रहे आप? हाँ, इंडिया में छत्तीसगढ़ का जंगल है। अच्छा, बहुत वहां रहे? बहुत खतरनाक जंगल, के दिन में भी अंधेरा होता है, दिन में भी, इतना घना जंगल है वो। थिक फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट, और वहाँ सब क्या क्या आपने वहाँ पे इतने? हाँ, बहुत सबका जवाब दे रहा हूँ आपको, तभी बस वक्त कम है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूँ। हाँ, वक्त कम है मेरे पास। अच्छा, फिर आपने वहाँ से? अगर वक्त कम है तो फिर मेरे पास 94 ईयर्स की एज, इतनी जल्दी एक मिनट में या आपके इस पीरियड पे नहीं बता सकता। बिल्कुल ऐसे, इसके लिए इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ ठीक है, तो आपने एक लंबा अरसा वहाँ गुजारा और फिर ये सारी हर्बल सब वहीं से दरियाफ्त किया? जी हाँ, सब वहीं से सीखा। 12-14 यानी उम्र 21 और 22 साल तक आई वॉज इलिटरेट, मैं पढ़ा नहीं। ओके, मैं रहा, जिसकी 21 और 22 साल उम्र हो जाए तो फिर आगे कैसा पढ़ेगा। तो मेरे बाबा हुजूर हजरत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा क्या रे पढ़ेगा नहीं जी, चल पढ़। तो 21 और 22 साल के बाद मेरी पढ़ाई शुरू हुई, आज तक मैं पढ़ रहा हूँ। उम्र हो गई, पढ़ाई के लिए तो कोई एज नहीं। बिल्कुल सही है। अब मैं कर रहा हूँ, अब जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ जी, कैंसर पे किया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें दुनिया में इसका इलाज नहीं है, मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज कर रहा हूँ। ठीक है, स्किन सोरेसिस का इलाज दुनिया में नहीं है जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ, फीस अल्लाह, जिसके कोई मेरी कोई फीस नहीं है, मेरी दवा के कोई पैसे नहीं, सब फ्री में बांटता हूँ। अच्छा, तो कैंसर हो या मसल का प्रॉब्लम हो या बर्स का मर्ज हो, आप उसका फीस अभी कर रहा हूँ, करता रहूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, सो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, और इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें आप परेशान हैं और आपको इलाज नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर साहब जो है हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं उन चीज़ों के लिए। और ये कितने अरसे का ट्रीटमेंट? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपका ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप, सबका अलग अलग ब्लड ग्रुप, किसी को बहुत जल्दी फायदा होता है, किसी को बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ठीक है ना। और ये मैं बता दूँ इस टीवी के हवाले से, कैंसर कोई मर्ज नहीं है, कोई कैंसर से कोई डरने की जरूरत नहीं है, कैंसर खतरनाक मर्ज नहीं है। ओके, ये बिल्कुल नहीं है, मगर कैंसर का इलाज डॉक्टरों के पास वो खतरनाक है, वो मौत के मुंह पे ले जाता है। राइट, तो डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको हर्बल ट्रीटमेंट जो है वो ऑफर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, इंशाल्लाह ज़रूर आपको दोबारा जहमत देंगे, ज़रूर आइएगा और आपके एक्सपीरियंस से हम भी सीखेंगे और अपने देखने वालों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे। नंबर इनके स्क्रीन पर मौजूद थे, आप इनको कॉल कर सकते हैं और आप इनसे मिल सकते हैं।